गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया। जो हम आपको रोज़ रिवीजन करवा रहे हैं इसको आप लर्न करते जाइएगा। आज शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट रिवीजन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जाति वाचक संज्ञा नहीं है। आ महल, बा हिमालय, तो इसका उत्तर होगा बा हिमालय। शुद्ध वर्तनी है। आ सर्वाधिक, आ सर्वधिक, तो इसका उत्तर है आ सर्वाधिक। घड़ों पानी गिरना पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़े में पानी भरना या बा लज्जित होना, तो इसका उत्तर है बा लज्जित होना। रामकृष्ण परमहंस संज्ञा शब्द का भेद है। अव्यक्तिवाचक, बा जातिवाचक, तो इसका उत्तर है अव्यक्तिवाचक। शुद्ध वर्तनी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो बा आशीर्वाद। हरियाली शब्द का सही विशेषण है। आहरा, बा हरापन, तो बा हरापन। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन नहीं है। आ कष्ट, बा सन्नाटा, तो बा सन्नाटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होता है। शब्द कहलाते हैं अभिन्नार्थक समझौती, तो इसका उत्तर है अभिन्नार्थक। किसी भी कार्य का करना या होना कहलाता है अभाषा, बा क्रिया, तो इसका उत्तर है बा क्रिया। विशेषण जिन वस्तुओं की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष। अविशेष, बा सर्वनाम, तो इसका उत्तर है अविशेष। फूल शब्द का सही पर्यायवाची है। अपुष्प, बा कली, तो इसका उत्तर है अपुष्प। त्यौहार का सही पर्यायवाची है आनंद, बा उत्सव, तो बा उत्सव। हमारा शब्द का सही भेद है आ सर्वनाम, बा संज्ञा, तो आ सर्वनाम। बुझना शब्द का सही भेद है अविशेषण, बा क्रिया, तो इसका उत्तर है बा क्रिया। विषैली शब्द का सही भेद है अविशेषण, बा विशेष, तो इसका उत्तर है अविशेषण। पत्थर शब्द का गलत अर्थ है आ ईंट, बा पाषाण, तो इसका उत्तर है आ ईंट। मूर्ख शब्द का सही अर्थ है आ बेवकूफ, बा चालक, तो आ बेवकूफ। जो शिकार करता है आ सन्यासी, बा शिकारी, तो बा शिकारी। जो कविता लिखता है आ कलाकार, बा कवि, तो इसका उत्तर है बा कवि। जो शिक्षा देता है आ शिक्षक, बा सलाहकार, तो इसका उत्तर है बा सलाहकार। इसको और दोहरा लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है बा हिमालय। शुद्ध वर्तनी है आ सर्वाधिक। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है बा लज्जित होना। रामकृष्ण परमहंस संज्ञा शब्द का भेद है अव्यक्तिवाचक। शुद्ध वर्ती है आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो बा आशीर्वाद। हरियाली शब्द का सही विशेषण है हरापन। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन नहीं है सन्नाटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग ये जैसे होते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। किसी भी कार्य का करना या होना कहलाता है क्रिया। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते उन्हें विशेष्य कहते हैं। पुष्प का सही पर्यायवाची है आप पुष्प। त्यौहार का सही पर्याय है उत्सव। हमारा शब्द का सही अर्थ है सही भेद है सर्वनाम। बुझना शब्द का सही भेद है विशेषण मतलब क्रिया, बा क्रिया। शब्द का सही भेद है विशेषण। पत्थर शब्द का गलत अर्थ है ईंट। मूर्ख शब्द का सही अर्थ है बेवकूफ। जो शिकार करता है शिकारी। जो कविता लिखता है कवि। जो शिक्षा देता है शिक्षक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।